हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए खरखुदा शराब घोटाले पर अब तक हरियाणा की राजनीति गर्मा रही है। सरकार में बैठे मंत्री ही इस घोटाले पर अलग अलग राह चलते दिखाई दिए, किंतु इस घोटाले को हैंडल कर रहे गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर इस घोटाले पर एक्शन लेने की रणनीति तैयार कर ली है। इस मामले में शामिल होने वाले अधिकारी और माफिया लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। शराब मामले की जांच अब 3 आईपीएस अधिकारियों की टीम करेगी, जिसका गठन सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कर दिया है। दरअसल एसईटी की जांच रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आधार पर हर जिले में जांच के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस टीम की अध्यक्षता आईपीएस अधिकारी एडीजीपी कला रामचंदन, डीआईजी शशांक आनंद शामिल होंगे। टीम की जानकारी देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि मामले में जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखें अर्थ प्रकाश टीवी के लिए अम्बाला से लोकेश दत्त मेहता की यह रिपोर्ट। देखिए, शराब के जो इलीगल गतिविधियां थीं, उनको जानने के लिए मैंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। उन्होंने लगभग 3 महीने में सारा हरियाणा स्टडी करके अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पर मैंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। मैंने उस पर रिकमेंडेशन दी थी कि इसकी विजिलेंस की जांच कराई जाए। उसमें कुछ अधिकारियों के नाम थे, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए और होम डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी गंभीर टिप्पणियां की थी। उसके लिए मैंने ये कहा था कि सभी विभाग जिनके बारे में इसमें टिप्पणी की गई है, वो जो जो टिप्पणियां की गई हैं उनकी और उन जैसी अगर और अनियमितताएं प्रदेश में हो रही हैं, उनकी जांच कराने के लिए एक विभागीय समिति बनाई। मेरी रिकमेंडेशंस को मुख्यमंत्री जी ने हूबहू स्वीकार किया और उसी के तहत अब ये केस विजिलेंस को भी चला गया है और जो अधिकारियों के नाम आए थे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल भी की जा रही है। और होम डिपार्टमेंट में, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैंने जहाँ जहाँ पर भी रेफरेंस आया है होम डिपार्टमेंट का उस रिपोर्ट में, जो जो अनियमितताओं की ओर इशारा किया है, वो अनियमितताएं जिस जिले में किया है उसके साथ साथ सारे हरियाणा में वैसी अनियमितताओं की जांच करने के लिए मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है। उसमें एडीजीपी कला रामचंद्रन की अध्यक्षता में होगी वो, उसमें डीआईजी शशांक आनंद उसमें होंगे और एक उसमें एसपी गर्ग को रखा गया। लोग जो है इसमें दोषी पाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी? नहीं, बख्शा तो किसी को भी नहीं जाएगा। जिन जिन के खिलाफ रिकमेंडेशनें आएंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।